हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट डे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। आपको -3/5 को एक्सप्रेस करना है एज अ रेशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर आपको दे रखे हैं, यानी हर बार डिनोमिनेटर चेंज होगा। जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/5 को हमें क्या करना है, ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर हमने देखा -20 हो। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 20 दे रखा है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था अगर कोई कॉमन डिविजर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कोई कॉमन डिविजर हो तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी उसका जो रेशनल नंबर है वो इक्वल होता है। तो इधर अगर हम देखें, इसमें हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी इसका डिविजर क्या होगा जिसमें 20 आया होगा, तो ऐसा नंबर है 4, यानी 4 ऐसा डिविजर है जिसका मल्टीप्लाई 5 से करने पे 20 आया होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 रहा होगा, तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12। यानी कि -3/5 का दूसरा रेशनल नंबर -12/20 है। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर 30 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सेम है, यानी हमें जो नंबर रेशनल नंबर चेंज करना है वो -3/5 ही है। अब अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो -30 है। तो देखिए, ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, ऐसा कौन सा डिविजर रहा होगा जिसके बाद ये -30 आया है। तो हमें पता है 5 6 30 होता है, और माइनस में है तो -6 होगा, -6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे -30 आया है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, -6 ही होगा, तब जाके यहाँ का न्यूमरेटर आएगा। तो 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जिसको हम लिखते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें डिनोमिनेटर 7 रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको, ऐसा रेशनल नंबर जिसमें क्या हो, कोई भी कॉमन डिविजर नहीं हो बन के अलावा। तो देखिए, इसका अगर फर्स्ट पार्ट देखें हम तो -12/30, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम ऐसा नंबर देखते हैं, यानी कॉमन डिविजर देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें, 6 ऐसा है जिसको क्या कर देंगे, जो कॉमन एंड में, तो इसे हम 6 से कैंसिल आउट करके ही देख लेते हैं। इजी वे ये है कि हम इसे 6 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। 6 2 12 एंड 6 5 30, क्योंकि 6 इसमें कॉमन डिवीजर था। अब हम देखेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें -2 एंड -5 साथ आते हो, इसका मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकेंड। -14/49, यहाँ पे कॉमन डिविजर जो है वो 7 है, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 49 भी आता है। तो देखिए, 7 2 14, क्योंकि यह माइनस था इसलिए माइनस में आंसर आएगा, 7 7 49, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। पेयर में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो ग्रेटर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3/8 दे रखा है, और दूसरा नंबर जो दे रखा है वो आपको 0 दे रखा है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, हमें पता है 0 छोटा होता है प्लस के नंबर से। अगर यह माइनस होता तो ये छोटा होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्लस का नंबर है, जो भी रेशनल नंबर दे रखा है वो प्लस का है, तो 0 से तो वो बड़ा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 3/8 को ग्रेट बताएंगे 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे -2/9। -2/9 और 0 दे रखे हैं, तो अभी अभी आपको बताया माइनस के नंबर हमेशा 0 से छोटे ही होते हैं, तो ये छोटा है और 0 ग्रेट है। अगले में बढ़ेंगे थर्ड पोर्शन पे। इसके थर्ड पोर्शन में इसमें दे रखा है -3/4 और 1/4। तो यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं,
लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दे रखा है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर में एक माइनस थ्री है, एक वन है, तो जब माइनस के नंबर जीरो से छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है वन से तो छोटे होंगे ही होंगे, तो ये जो माइनस थ्री है वो हमारा क्या है, छोटा है, और वन क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हम सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या रखा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। क्वेश्चन तो सेम है लेकिन जो हमारे रेशनल नंबर दे रखे हैं उनमें कुछ भी सेम नहीं है, मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इसके लिए पूरी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। पूरी प्रोसेस का मतलब है स्टेप वन सबसे पहले हम करेंगे। तो स्टेप वन कहता है कि सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे पॉजिटिव में बनाएं। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो देखिए सेम बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम जो है आपको पता है 21 आएगा, ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं इसलिए हम इतना इनिशियल से नहीं बताएंगे। तो इसका 21 आएगा। अब देखिए हम इसे फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 7 21, 7 4 28, 7 3 21, तो 3 आता है, 3 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 3 8 24। अब क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। अब हम चाहे तो वैसे यहीं से पता कर सकते हैं लेकिन इनको अलग अलग कर लेते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर अब क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो -28 और -24 में वैसे अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको बड़ा दिखेगा, 28 नंबर बड़ा दिखेगा, लेकिन क्योंकि 28 माइनस का है, माइनस का नंबर जितना ज़्यादा बड़ा आपको दिखता है वो उतना ज़्यादा ही छोटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बड़ा नंबर है वो ये है, -24/21। एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट टू, जिसमें आपको दे रखा है 7/-9 और -5/8। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये तो सही है, इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, इसी को बनाना है पहले हमें पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -9 में। अब क्योंकि जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ में ही करते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें करना ही पड़ेगा। तो 7 × -1 और -9 × -1, ये हमारा हो गया -7/9। अब देखिए -7/9 और -5/8 में आपको कंपैरिजन करना है, तो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। तो देखिए फिर हम इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिवाइड करते हैं, एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, 9 8 72 होता और 8 7 −56। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 8 9 से 72 होता है एंड 9 5 से 45। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, -56/72 एंड -45/72। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर को जब हम कंपेयर करेंगे तो -56 जो है हमारा छोटा है, क्योंकि बड़ा नंबर अगर माइनस में है तो वो छोटा होता चला जाता है, और -45 हमारा बड़ा है। इसी तरह से क्वेश्चन 7 है, इसमें आपको सेम प्रोसेस करनी है, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन के सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।